सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज मतलब आज मैं एक ब्लॉगर से मिलने जाने वाला हूँ, जो कि है पूजा रुद्र ब्लॉग्स करके। मतलब काफ़ी मतलब फैमिली वाले ब्लॉग बनाते हैं एंड काफ़ी मस्त ब्लॉग लगता है मेरे को उनका। मतलब उनका ब्लॉग मैं काफ़ी देखता हूँ। हाँ, वो रहते समथिंग यहाँ से, मैं अभी हूँ, मैं दीदी के घर के घटारो एंड इधर से लालगंज है, लालगंज परमानंदपुर समथिंग, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है। तो हाँ, उधर ही जाने वाले हम लोग। मतलब मैं अकेला नहीं, 2-3 जन और साथ में हैं। तो हाँ, आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मतलब कोई वीडियो क्रिएटर वगैरह से सब मिलते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। एंड मिलते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, घर पे होंगे सेम, तो काफ़ी ज़्यादा सवाल है एंड जवाब इसका एक ही है, जाने के बाद पता चलेगा। तो देखते हैं एंड चलते हैं एंड देखो क्या होता है, मीटअप होता है कि मिलते हैं कि नहीं मिलते। सो लेट्स गो नाउ। आगे हम लोग परमानंदपुर, भाई मतलब अलग ही एरिया, देख रहे हो, भयंकर, कुछ पता भी था नहीं है। बैठा फाइनली गाइस, लोग आज के लालगंज से आगे मतलब परमानंदपुर है उधर, तो यहाँ से अभी थोड़ा दूर पर उनका घर है जिनसे मिले पूजा रुद्रा ब्लॉग, काफ़ी अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं सोचा गाँव से मतलब उधर इधर आता जो जो मतलब वीडियो क्रिएटर है उन लोग से मिलने का, तो फाइनली इधर आ चुका है, देखते घर पर हैं मिलेंगे लेकिन आई डोंट नो, बट मतलब कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं, कोई नहीं। एंड देख लो सामने, मतलब आगे जाना है हम लोग को एंड लोकेशन तो ये सामने आप लोग को परमानंदपुर दिख रहा है, जिस वहाँ पे हम लोग उतरे एंड इसके आगे जाके देखते हैं, मिलना अगर होंगे तो मिलेंगे, नहीं तो फिर बैड लक, कोई नहीं, ट्रायल करते हैं। ओ तो गाइस, एक्चुअली हम लोग को पता नहीं था, तो एक आंटी जी इधर हेल्प कर रही है, थैंक यू आंटी जी। हाँ, कोई नहीं, मतलब ऐसे अनजान जगह पे आते कुछ पता तो रहता नहीं है, तो किसी से हेल्प मांग के ही मतलब आना पड़ता है। तो हाँ, आंटी जी हेल्प करिए, मतलब उनके घर के बाजू में आंटी जी रहती है, तो हाँ आंटी जी को मतलब नाम हम बताया, तो आंटी जी मैं जानती थी, तो हाँ कोई नहीं, आंटी जी के साथ में जा रहे हैं, देखते हैं अभी। देखो गाइस, देख रहे हो आज मेरे साथ बड़े बड़े लोग हैं, खुशबू जो कि मेरी भांजी है, तो मतलब मेरे को पता नहीं था इसका जान पहचान में है एंड मतलब मेरे को पहचान में था, खुशबू जानती है, तो खुशबू के द्वारा ही जा रहा हूँ एंड बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोग मत समझना, बहुत बड़े लोग हैं, देख रहे हो भयंकर। कोई नहीं, स्माइल देख रहे हो इसकी। खैर कोई नहीं, यहाँ से 2-4-5 मिनट लगने वाला, क्योंकि पता नहीं था तो पैदल जा रहे थे। कोई नहीं, देखते हैं अभी। देखो क्या चीज़ का पेड़ है, पता नहीं, पता नहीं यार, कुछ का पेड़ बट पता नहीं, इधर से जाना किधर सीधे, ये तो ट्रांस भाई, इसको एक किसको नहीं पता है। तो मतलब गाँव में आने का अलग ही वाइब रहता है, सामने स्कूल देख रहे हो, स्कूल ऐसा लग रहा है खाली है, स्कूल का छुट्टी हो गया, बट कोई नहीं, आगे ही थोड़ा दूर पे घर है, तो जस्ट कुछ टाइम में पहुंचने वाले हम लोग एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, मतलब कोई वीडियो क्रिएटर से, मतलब मैं खुद वीडियो बनाता हूं, तो कोई क्रिएटर रहता है तो उससे मिलने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, बट होपफुली मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो नहीं मिले तो आई डोंट नो, बट हाँ कोशिश करते हैं, देखते क्या ही होता है। फाइनली पहुंचने वाले, देख रहे हो पूरा गांव, मतलब गोभी फ्लावर का पूरा मतलब खेती किए एंड कोई नहीं भाई, मतलब गांव में आने बहुत सही लगता है एंड सामने उनका घर है, घर पे होना तो चाहिए बट देखो। गाइस पहुंच गए एंड खुशबू के जान पहचान के मौसी भी मिल गए, तो अब सही है, मतलब कोई जान पहचान कर रहा था सही रहता है। बाय कर दीजिए, बाय, चले चले, सैंडल पहना दे बाबू, दादाजी पास चलिएगा, इसमें बैठिएगा, उसको पता है कि वॉकर में बैठना है, आई सो ये सो बोलता है खाली। देखो इधर देखो बाबू, क्यूटू बाय कर दो। Thank you.
परसों का अभी बज रहा है शाम के 4:30। देख रहे हो मतलब 4:30 बजे क्या मौसम का हो रखा है। देखो धान मतलब धान भी पक गया, 2-4 दिन में धान भी देखा कटा नहीं। देखो मतलब पूरा धान मतलब देखो पूरा धान मतलब ज्यादातर गांव में अभी तो धान का सीजन है तो धान पूरा मतलब पक गया। कोई मतलब हरा भी है लेकिन इसको हम तो काट के 2-4 दिन छोड़ देंगे ऐसे तो पक जाएंगे। गांव का मतलब अलग ही बात ही रहता है भाई, हर जगह पेड़ पौधा मतलब पूरा नेचुरल सब्जी रहता है। जिधर देखो तो मतलब देखो तार का पेड़, केला का पेड़, पूरा मतलब गाँव में रहने का मतलब सही रहता है।